फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 42 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट रखता नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, मेरे एग्जाम्स की वजह से लास्ट वीक मैंने आपको वर्कशीट नहीं दी है। इस बार आपको अब आपसे सारी वर्कशीट आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज़ जॉडी फॉन। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से पैसेज को पढ़िए। Movement directly in the front of him started him so that he trembled backward. यानी जैसे ही वो उसके सामने आया, एकदम से जो मूवमेंट हुई जिसकी वजह से वो घबरा गया, है ना, और वो गिर गया पीछे की तरफ दबा। The fawn left it face to his. अब फॉन ने क्या करा, अपना चेहरा उसकी तरफ दिखाया। It turned it head with a wide wondering motion and shook him through with a star of the liquid eyes. ठीक है, उसने अपने चेहरे को घुमाया, सर को उसकी तरफ, है ना, चौड़ाई की तरफ, और हल्के से मोशन करा और उसको अपनी नमी भरी आंखों से देखा। इट वॉज क्विवरिंग, जो हल्का सा डरा डरा सा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, ठीक है, और उसने किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं करी, ना उठने की ना भागने की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, है ना, जॉडी को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था कि वो हिल पाएगा। ही विस्पर्ड इट्स मी, और उसने फुसफुसाया, हल्के से बोला, ये मैं हूँ। द फॉन लेफ्ट इट नोज, और फॉन ने अपनी नाक से उसे सूंघा, स्ट्रटिंग हिम, है ना, सूंघने की कोशिश करी। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और फिर जॉडी ने क्या करा, अपना धीरे से हाथ उठाया और उसके गर्दन पे रखा, किसके, जो आपका फॉन था, ठीक है। द टच मेड हिम ड्रेसली, उसने बहुत बहुत मतलब नाजुकता से, बहुत हल्के से उसे सहलाया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंडल्स, ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और उसने फिर क्या करा, उसको जो उसके चारों पैर थे उसको अपनी तरफ उसने खींचा। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट बॉडी, और उसने अपने जो हाथ थे, अपनी जो बाहें थी, उसके बॉडी के चारों तरफ फैला दी। अ लाइट कन्वर्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, ठीक है, यानी बिल्कुल हल्के से प्यार से उसने उसे पास बुलाया, ठीक है, और उसे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मतलब डरे या भाग जाए। ही स्ट्रोक इट साइड एट जेंटली एज थ्रो द फोन वर अ चाइना डियर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, उसने उसे इतने प्यार से, इतने अच्छे से उसे सहलाया कि जैसे मान लो वो डियर एक चाइना का है। ही माइट ब्रेक इट, अगर वो उसे ज़ोर से छुएगा तो वो टूट जाएगा। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन जो थी बहुत ज़्यादा मुलायम थी। इट वॉज सिल्क एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, क्या बोलते हैं कि वो बिल्कुल साफ थी, चिकनी थी, मुलायम थी, और उसमें से मीठी मीठी घास की खुशबू भी आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लेफ्ट द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से उसे मतलब अपनी तरफ लेके आया और ग्राउंड में बैठा फॉन के साथ। इट्स लैग्ड हंग लैम्पी, उसकी जो टांगे थी वो थोड़ी सी लंबी थी, किसकी, फॉन की, है ना। दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड टू स्टिंग द फॉन as high as possible under his arm, और उसने जितनी उसकी बाहों में ताकत थी, शक्ति थी, उसके अकॉर्डिंगली जितना उससे हो सका उसने फ़ोन को अपने बाहों में ऊपर उठा लिया, गोद में उठा लिया। जैसे जनरली हम लोग पपी को या कैट की जो बेबी होता है, किटन जिसे हम बोलते हैं, हम लोग जनरली उठा लेते हैं ना, उसको उसने उठा लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है टर्न इट हैड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, तो अब ये किसने करा था बताइए, अपनी गर्दन को किसने मोशन से हिलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन, ठीक है, क्या आंसर होगा, फॉन। अगला लिखा है विस्पर्ड इट मी, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जॉडी ने, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं वर सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर द आर्म, ठीक है। तो यहाँ किसके लेग्स की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है फोन के लेग्स की, ठीक है, तो तीनों में आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको आंसर देने हैं। यहाँ लिखा इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज़ इट, किसने ना भागने की कोशिश करी ना पीछे होने की कोशिश करी, किसने, फोन ने, ठीक है। यहाँ लिखा है
हु वॉज द फोन स्किन, फोन की स्किन कैसी थी, तो आप लिख लीजिए सॉफ्ट, पेन भी नहीं चल रहा आज, SOFT सॉफ्ट, कैसी थी, सॉफ्ट थी, ठीक है। बाकी अगर पूरा लिखना चाहें तो यहाँ से पूरा भी हम लोग लिख सकते हैं, इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ाना चाहें तो ये भी लाइन भी आप लिख सकते हैं, बाकी आप वहीं से लिखिएगा इसका आंसर यहाँ से कि हु वॉज द फोन स्किन, कैसी थी फोन की स्किन, तो आप लिख देंगे सॉफ्ट, बस सिंपल वन वर्ड आंसर, कुछ लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है चूज द रिपीट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ को पूरा करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड आपको दिए गए हैं, क्लीन, सफाई, प्यार, लव, प्यार, क्रिएचर, किसी भी जानवर को कहते हैं, फिट, स्लीप, वाटर, फूड, हैप्पी एंड अटेंशन, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है, तो यहाँ क्या लिखा है, पैट्स नीड केयर एंड, पैट क्या चाहते हैं, केयर और, तो देखिए बच्चों मैंने ना यहाँ सारे नंबर आपको लिख दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले पैट नीड्स केयर एंड, तो क्या चाहिए, लव, है ना, टू कीप देम हेल्थी, उनको केयर यानी कि प्यार चाहिए, है ना, और इसके अलावा क्या चाहिए, उनको सफाई चाहिए, क्या प्यार मोहब्बत चाहिए ताकि वो हेल्थी रह सके, और सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, फिट एंड सेफ, जिससे वो हेल्थी फिट और सेफ रह सके, ठीक है। दे नीड हेल्थी, तो उनको क्या चाहिए, न हेल्थी फूड चाहिए, है ना, अच्छा खाना चाहिए, एंड क्लीन एंड फ्रेश क्या चाहिए, वाटर चाहिए, उन्हें साफ़ सुथरा पानी चाहिए, और कम्फर्ट प्लेस चाहिए, ठीक है, टू किस लिए, स्लीप, सोने के लिए, है ना, सोने के लिए अच्छी सी कंफर्टेबल प्लेस चाहिए। अब क्या बोलते हैं, मोस्ट पैक आल्सो रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी, है ना, उनको खुश रखने के लिए उनको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होती है, जैसे डॉग वगैरह, है ना। आगे लिखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, किसी भी एनिमल के टेक केयर करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मेकिंग अ कमिटमेंट टू देम, क्या क्या करना है, They are living silent creatures, not exclusive, यानी कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहा जाए, है ना, गुस्सा या जो जो बदतमीज़ी होती है इसके थ्रू वो क्या होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, वो एनिमल्स भी खतरनाक हो जाते हैं, काट सकते हैं आपके। दे नीड अटेंशन, उनको अपने प्रति अटेंशन चाहिए, फूड चाहिए, है ना, और वेलेंट्री केयर भी चाहिए, एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं दे नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट, है ना, और उन्हें साफ़ सुथरा वातावरण भी चाहिए, और जेंटल रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग चाहिए। इसके बाद उनको रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग चाहिए, कुछ लोग होते हैं पैट पाल तो लेते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यहाँ मैंने देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पे भी नंबर डाल दिए हैं, आंसर पे भी नंबर डाल दिए हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मीनिंग मैंने समझा ही दिया है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए तो अच्छी शीट को हम यही खत्म करते हैं, अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।